आरोपी सनी शाहू ने भरतवाड़ा टी पॉइंट स्थित तिरुपति किराना दुकान मालिक को जिंदा कारतूस दिखाकर 1,00,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकान मालिक ने तुरंत इसकी शिकायत कलमना पुलिस स्टेशन में कर दी, जिसके बाद से ही ये आरोपी फरार बताया जा रहा था। कल दोपहर 1 से 2 बजे के बीच ये आरोपी फिर से उक्त दुकान पर आकर उसने 2-3 राउंड फायरिंग की जाने की जानकारी कलमना पुलिस को मिलते ही तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतवाड़ा वाई पॉइंट पर हेमचंद शाहू इनकी किराना की दुकान है, उस दुकान में आरोपी सन्नी शाहू इसने फायरिंग की है। आज धमकी एक्सटॉर्शन मनी के लिए उसने फायरिंग की है, 2 राउंड वहाँ पर फायर किए थे। उसके बाद जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस स्टाफ वहाँ पहुँचा और आरोपी का को ढूंढ के हमने उसे ताबे में लिया है। अभी उनकी तकरार पर हमने गुनाह नोन किया है और उसमें आगे की तपास चालू है। उसमें 1,00,000 रुपये उन्होंने मांगा था खंडनी, और खंडनी के पैसे नहीं देने पर उन्होंने ये किया है। हाँ, बीट मार्शल उसमें युवराज कावड़े, उनके साथ में दाताड़े करके बीट मार्शल था और पुलिस पथक था वहाँ पर। कसूर दिन उन्हें पावन गांव साइड में जाने की जानकारी मिली थी, उस एरिया में पथक रवाना किया गया था, वहाँ से उनको दावे में लिया है। यदि आप गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़ा खाना चाहते हो तो रेशम बाग स्थित श्री मूंग पकौड़ा सेंटर में जाकर गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद लीजिए। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं। संपर्क करें पप्पू शाहू 9822568774। हमारा पता श्री मूंग पकौड़ा सेंटर, रेशम बाग चौक, नागपुर। वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत पिछले 15 दिनों में वरिष्ठ पुलिस के मार्गदर्शन में वाड़ी पुलिस ने 15 मोटरसाइकिल और साथ ही घरफोड़ी के 7 मामले उजागर किए हैं, जिनमें कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर वाड़ी पुलिस स्टेशन में 6, गिट्टी खदान में 2, सीतावड़ी पुलिस स्टेशन में 2, MIDC में 1 और अंबाझरी थाने में 1 मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों से कुल 16,05,200 रुपए का माल जब्त किए जाने की जानकारी है। वाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर और नागपुर शहर में दर्ज वाहन चोरी और चोरी के अपराधों को उजागर करने के लिए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वाड़ी पुलिस स्टेशन की टीम पिछले 15 दिनों से लगातार काम कर रही थी। वाड़ी पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी कर ली है। वाड़ी के अपराध जांच दस्ते के 6 पुलिस निरीक्षक राहुल सावंत और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक चोरी की मोटरसाइकिल नागपुर शहर और वाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा से अमरावती जा रही है। उसमें से CCTV फुटेज और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की गई। उक्त आरोपी अमरावती के गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपना अस्तित्व छिपा कर रह रहे थे। गौरतलब रहे कि आप पिछले 15 दिनों में वाड़ी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 16,05,200 रुपए का माल जब्त किया गया है। वाड़ी पोलीस स्टेशन च्या अंतर्गत ओपोनी रायनवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे जे डिटेक्शन पथक आहे, API सावंत, API मुंडे व इतर अंमलदार यांनी 4 आरोपींना अटक केली असून त्यांच्याकडून 15 मोटरसायकल व 7 घरफोडीचे वेगवेगळे गुन्हे उघडकीस आले आहेत। त्यात नागपूर शहरातील गिट्टी खदान, सीताबर्डी, आंबाझरी येथील बाईक चोरी, तसेच अजनी, धंतोली, आंबाझरी येथील घरफोडी हे गुन्हे उघडकीस झालेले आहेत। 15 बाईक रिकवर करण्यात आलेल्या यश आलेलं आहे, तसेच 7 घरफोडी, अशा रीतीने एकूण 12 गुन्हे वाडी पोलीस ठाण्याच्या डिटेक्शन पथकाने उघडकीस आणलेले आहे। अजूनही तपास चालू आहे। पोलीस स्टेशन वाडीमधील DB पथकातील APS सावंत व PSI मुंडे व त्यांच्या पथकाने एकूण 12 मोटरसायकलचे गुन्हे व 7 घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत। यामध्ये एकूण 15 मोटरसायकली हस्तगत करण्यात आलेले असून त्यांची किंमत 15,44,000 रुपये इतकी आहे। या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 अभिलेखावरील आरोपी अटक करून त्यांच्याकडूनही मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपींची नावे आहेत ऋतिक लांजेवार, संकेत कडू, कुणाल बने व प्रीतम शर्मा। सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जॉईंट CP मॅडम रिजन साहेब व DCP झोन 1 सर श्री अनुराग जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाडी पोलीस स्टेशनच्या पथकाने केलेली आहे। This news is sponsored by Pranal's Fitness.
सहारा मतिमंद मुला मुलींची विशेष अनिवासी शाळा नालंदा नगर नागपूर येथे शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात आले. या प्रसंगी प्रामुख्याने छायापत्रकार व पत्रकारिता क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. गणवेश वाटप करण्यासाठी प्रामुख्याने नागपूर क्षेत्रातील वरिष्ठ छायापत्रकार आणि संचालक सहारा विशेष शाळा या सर्वांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि खाऊ वाटप करण्यात आले. या प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. त्यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचे खूप कौतुक केले व कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा कौतुक केले. या प्रसंगी शाळा प्रमुख शिक्षके तर कर्मचारी उपस्थित होते. कॅमेरा पर्सन विलास सह संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपूर.